हेलो एवरीवन वेलकम टू इंडी डाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ़ फर्स्ट जनवरी 2024 बट उससे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू मे गॉड कंप्लीट ऑल योर ड्रीम्स एंड ऑल योर डिज़ायर वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ बिकॉज ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों ने रेजोल्यूशंस भी लिए होंगे एंड जो 2023 का रेजोल्यूशन uh, था तो वो बहुत हद तक आपने कंप्लीट किया होगा और अगर वो छूट गया है तो प्लीज़ उसको छोड़िएगा मत उसे एक्सटेंड कीजिएगा 2024 में एंड प्लीज़ ट्राई वेरी हार्ड कि आप उसे कंप्लीट कर ले 2024 में और उसी के लिए ये कोट भी है योर लाइफ डज़ नॉट गेट बेटर बाय चांस इट गेट्स बेटर बाई चेंज और ये किसका दिया हुआ है ये जीम रॉन का तो इसीलिए आप अपने जितने भी रेजोल्यूशंस है वो बनाइए और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और चलिए हम लोग जो थमलैंड का आर्टिकल है उसको पहले डिस्कस करते हैं तो अभी जो है बात चल रही है कि ये जो अंतरिक्ष में स्पेस में भी अब शूटिंग होगी और ये जो अभी जाके और इसमें लीड एक्टर कौन होंगे ये जो टॉम क्रूज है वो और ये क्या ऐसा पहली बार होने जा रहा है तो ऐसा नहीं है इससे पहले भी रशिया की एक मूवी आई थी जिसमें पहले भी ये शूटिंग हो चुकी है स्पेस में तो वहाँ पे एंड इसके लिए एक वीडियो भी है जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड देन आफ्टर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी क्योंकि अभी जो है जो टॉम क्रूज लीड एक्टर होंगे इसमें और ये स्टार्ट होने जा रहा है लेकिन एक मूवी पहले भी बन चुकी है और वो भी सक्सेसफुल रहा था तो अब क्या है कि स्पेस में बहुत सारी चीज़ें एक तो और ये स्पेस में है ये न्यूज़ आ रही है तो इसके लिए क्या है कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सारी न्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये जीएस पेपर थ्री में आता है एंड प्रिलिम्स के लिए जो साइंस एंड टेक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एवरी ईयर टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक से तो इस बार ये जो नोबेल प्राइज में भी बहुत सारा साइंस से रिलेटेड अवार्ड मिला है एंड देन ये स्पेस का भी है तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि एक तो स्पेस में मूवीज भी बनने जा रही हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट मूवी नहीं है जो बनने जा रही है इससे पहले रशिया की जो मूवी है वो 2021 में ही बन चुका है द क्रू के नाम से और अभी है कि ये सेकेंड मूवी बनने जा रही है एंड ये जो अब ये तो हो गया एंड देन और जो यूएसए का है प्रोजेक्ट कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है तो अब एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन भी होगा वहाँ पे जहाँ पे लोग जितने भी साइंटिस्ट हैं और जो वहाँ पे क्रू मेंबर हैं वो वहाँ पे होल्ड कर पाएंगे वो बड़ा होगा और अर्थ पे उतना पॉसिबल नहीं है कि सारे क्रू मेंबर रह सके और बार बार वहाँ जाके स्टडी करें और वापस आए इसीलिए उनका एक स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है ताकि वो वहाँ पे होल्ड कर सके और उनके लिए जो रहने खाने और सोने जितने भी जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएंगी और वो भी बहुत न्यूज़ में है इसीलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में है ताकि आप इस आर्टिकल से अप टू डेट रहें तो अब चलिए हम लोग जो हमारे द हिंदू का तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए ताकि आप लोग का थाट क्लियर हो जाए देन आफ्टर हम लोग द हिंदू का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा और तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये जो स्पेस है वो इतना न्यूज़ में है कि अभी ये स्पेस पे जाना और ये जो स्पेस स्टेशन जो बन रहा है उसकी वजह से ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाया रहेगा तो ये हमारे यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज़ आई हैव डिस्कस्ड कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस पर वी विल हैव टू कीप ऑन आई कि ये कैसे इसमें न्यूज़ आ रहा है और उसकी वजह से हमें अपडेट रहना होगा तो अभी देखते हैं कि इसमें जो हमारा जो न्यूज़ है वो कौन कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर तो दीज आर्टिकल वी विल हैव टू डिस्कस एंड देन वी विल डिस्कस पनगरिया टू हेड सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन तो दीज आर्टिकल एंड वी विल डिस्कस थ्री एडिटोरियल आर्टिकल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो तीनों आर्टिकल हैं उसमें पूरे ईयर का ये जो वन ईयर का जो था जितनी भी चीज़ें हुई हैं इस लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो वो सबका समरी दिया हुआ है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉटेंट है क्योंकि ये पूरा जितना वॉर हुआ जो भी कमीशन हुई जो भी चीज़ें हुई वो सबका समरी है तो वो तीनों आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं ये आर्टिकल है ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है रीडिंग द टी लीव्स फॉर 2024 तो इसमें सारी जो वन ईयर लास्ट 2023 में चीज़ें हुई हैं जो भी वॉर्ड्स हुए हैं या जो भी चीज़ें की गई है अदर कंट्रीज़ के लिए या फिर अदर कंट्रीज ने की है या फिर इंडिया ने किया है तो वो सब का संबली है तो ये एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे देन आफ्टर वी विल डिस्कस फ्लड एंड ए प्रिवेंटिव मेज़र डैट नीड्स टू रिव्यू ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस एंड गेम कि इसमें क्या है तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो फर्स्ट आर्टिकल था उससे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेट्री फॉर मनरेगाज वर्कर्स और ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि इसमें थर्टी फोर पॉइंट एट परसेंट ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं या फिर ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ एक्टिव वर्कर्स हैं वो स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर न्यू पेमेंट सिस्टम क्यों क्योंकि उनका आधार से लिंक्ड नहीं है और 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स डिलीटेड सिंस अप्रैल 2022 तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है और इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये जो और मनरेगा क्या है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तो ये मनरेगा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं मेन्स में इस्पेली तो ये मेन्स के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो ये देखते हैं और ये पे ये जो मनरेगा है विल बी पेड ओनली थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और ये आधार ए बी पी एस जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो किससे रेगोलेट किया जाता है ये रेगुलेट किया जाता है एन पी सी आई से और एन पी सी आई क्या है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये एन ही इसको रेगुलेट करती है और ये बोला गया है कि जितने जो जितने भी जो का ये जो मनरेगा के वर्कर्स हैं या उनका जो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है तो वो अगर आधार से लिंक्ड होगा तभी उनका जो पेमेंट है वो पहुंचेगा नहीं तो नहीं पहुंचेगा और जिनके भी आधार से लिंक्ड नहीं थे उनका कार्ड है डिलीट कर दिया गया है तो ये बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनके दिक्कत वाली बात है और अभी ये सारी चीज़ें फ्रंट फुट पे ली जा रही है कि उसको आधार से लिंक करना और उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि एक तो कि जब आधार से लिंक हो जाएगा तो इसमें मिडिल मैन जो है तो मिडिल मैन का, का काम ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी फंड जो मिलती हैं और जो भी पेमेंट मिलती है तो वो डायरेक्टली जो है वर्कर्स के खाते में जाएंगी तो उससे क्या होगा कि ये मिडिल मैन का है ना वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा एंड जितने भी वर्कर्स हैं तो उनको पेमेंट मिल पाएगा एंड जब ये आधार से लिंक्ड हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि इनका जो पेमेंट है वो सिक्योर हो जाएगा और इनका जो ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी तो ये सारी चीज़ें कि कितने वर्कर्स हैं कितने वो कैसे हैं अगर कुछ अगर इन फ्यूचर कुछ सस्पेक्ट होता है तो वी कैन डिटेक्ट विद द आधार तो ये सारी चीज़ों की वजह से आधार मैंडेटरी कर दिया गया है इवन दो जितने भी बैंक अकाउंट है सिर्फ मनरेगा में नहीं जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके लिए भी ये जो आधार है वो मैंडेटरी ही कर दिया गया है कि आधार कार्ड अभी बात चल रही है कि आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये दोनों को ही सबमिट करवाना होगा और जितने भी बैंक के अकाउंट है उसको आधार कार्ड और आधार कार्ड से और ये जो पैन कार्ड है उससे भी लिंक कर दिया जाएगा सो so दैट कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है या कोई सस्पेक्ट होता है तो उससे है ना ईजिली डिटेक्ट किया जा सके आधार और पैन के थ्रू तो ये सारी चीज़ें हैं अब ये जो फिफ्थ एक्सपांशन है एक्सटेंशन जो किया गया है तो वो डेडलाइन कब का है कि ये जल्द से जल्द आधार से लिंक करवाना ही है और ये जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है और इस पर बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही है स्टेट गवर्नमेंट और क्योंकि और ये जो डाटा बेस का भी काम करेगी कि पता लग जाएगा कि कितने वर्कर्स हैं जब ये आधार से लिंक हो जाएगा तो पता लगेगा कि कितने वर्कर्स हैं और इसका एंड हो जाएगा कब ये संडे को ही इनका एक जो टाइमलाइन दिया गया है और ये जो मनरेगा है जो जॉब कार्ड है वो भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि वो आधार से लिंक्ड नहीं था और इसीलिए बहुत सारे एक्टिविस्ट वर्कर्स हैं वो फील्ड में और वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये लिंक करना होगा ताकि ये जो इम्पोजिशन मेथड है वरना उसमें रुकावट आएगी और ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट ऑर्डर कब किया गया था जनवरी थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ही ये बोला गया था देन आफ्टर इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि फेबररी वन एंड देन मार्च थर्टी फर्स्ट एंड सो ऑन तो ये बोला जा रहा है और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी जो एक्टिव है ये यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और ये जो डाटा निकला है थर्टी फोर पॉइंट एट परसेंट ऑफ द जॉब कार्ड होल्डर रिमेन इन एलिजिबल फॉर दिस मेड ऑफ पेमेंट और ये कब आया है जो रिसेंट डाटा है दिसंबर ट्वेंटी सेवन का तो उससे पता लगा कि ये जो थर्टी फोर पॉइंट एट परसेंट उनको जो पेमेंट मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो आधार से लिंक्ड नहीं है अब इसका जो कंटिन्यूएशन आर्टिकल है वो देखते हैं एंड ये उसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल है आधार लिंक्ड पे मेड डिमेंडेट्री और इसमें गवर्नमेंट का जो सोर्सेज से पता लगा है कि ये उसने डिसीज़न ये जो डिसीजन है एक्सटेंड करने का वो डेडलाइन पे आ चुका है जो गाइड किया जा रहा है एक्टिव वर्कर्स के थ्रू और ये जो जॉब कार्ड होल्डर्स है जितनी भी दी जाती है उसी को बोला जा रहा है कि आधार कार्ड से लिंक्ड करने का और ये जो एक्टिव वर्कर्स हैं दोस्त वो है वर्क फॉर एटलीस्ट वन डे फॉर द पास्ट थ्री फाइन फाइनेंशियल ईयर तो उनको तो और मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको आधार कार्ड से लिंक करना ही करना है और इसका जो डेट है दिसंबर ट्वेंटी सेवन और ये जो ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट है वो एक्टिव वर्कर है वो स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर द न्यू सिस्टम कि नई जो सिस्टम बनाई गई है उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि अप टू द मार्क उनका जितना होना चाहिए वो एक्टिव नहीं है और जो भी सिस्टम जो लाई गई है उससे भी वो अपडेटेड नहीं है एंड डेट ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव करोड़ जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से ये जो फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ है वो कैटेगराइज है एक्टिव वर्कर्स में तो ये सारी जो है मिनिस्ट्री से पता लगा है और ये जो डिलीशन ऑफ कार्ड क्योंकि अभी बहुत सारे कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं तो उसका रीज़न क्या है रीज़न है ये ये अनेक एविडेंस पाया गया है और ये ग्राउंड रिपोर्ट पे और उसी के कारण ये सजेस्ट किया गया है कि ये जो प्रेशर है ना वो फेस कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट ताकि ये जो हंड्रेड परसेंट कम्प्लाइंस दिया जा सके न्यू सिस्टम के तहत इसीलिए पुराना जितना भी कार्ड था उसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि एक तो वो आधार से लिंक नहीं है और उसके पे वो अपडेटेड भी नहीं है इसीलिए ये डिलीट कर दिया गया है ताकि ये जो अपडेटेड बनाए और ये किसने किया है स्टेट ने डिलीट किया है नंबर ऑफ कार्ड्स क्योंकि वो इन एलिजिबल है आधार पेमेंट के लिए और इसमें क्या है ये जो केसेस है वो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन आधार एंड द जॉब कार्ड कि ना वो ये तो आधार कार्ड है उससे लिंक नहीं है और ये जो जॉब कार्ड है वो भी अपडेटेड नहीं है इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया है और ये जो लिब टेक है लिब टेक इंडिया और कंसोटियम ऑफ एकेडमिक्स एंड एक्टिविटीज़ तो ये जो इसी ने बोला है कि ये जो 7.6 पॉइंट सिक्स कोर वर्कर ये 7.6 पॉइंट सिक्स करोड़ वर्कर्स हैव बीन रिलेटेड ओवर द पास्ट 21 वन मंथ तो इतनी सारी जो है ना वर्कर्स की जो कार्ड है वो डिलीट कर दिया गया है और ये जो यूज ऑफ ए बी पी एस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मोर देन वन थर्ड ऑफ टोटल मनरेगा रजिस्टर्ड वर्कर्स ड इन एलिजिबल विल और ये सारी जो है ना इतने सारे लोग जो इन एलिजिबल हैं और इसीलिए ये सारी चीजें ये बोला गया है कि आधार से लिंक्ड होना ही चाहिए और इसमें फर्दर न्यूज में आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे एंड वी आर मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल और हम इस आर्टिकल को देखते हैं पनगड़िया टू हेड सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन अब ये सिक्सटी फाइनेंस कमीशन ये जो फोर्टीन आ चुका है फिफ्टीन आ चुका है अब बात चल रही है सिक्सटीन आने वाला है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली ये 2023 में ये जो फिफ्टीनथ फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो इसीलिए ये सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन संडे ये अपॉइंट किया है फॉर्मर जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगरिया वो चेयरमैन के लिए चुने गए हैं जो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन आएगा उसके लिए विच विल रिकमेंडेड द टैक्स रेवेन्यू और शेयरिंग फार्मूला बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉर द फाइव फाइव ईयर पीरियड बिगिनिंग अप्रैल 2026 तो ये जो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन है वो 2026 में आ, आएगा एंड ये जो फाइनेंस कमीशन है ये उसका काम क्या है तो ये काम इसमें बताया है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग का काम करता है ये जो फाइनेंस कमीशन है तो ये मेजरली ये जो स्टेट सेंटर uh, है और ये जो स्टेट है तो इन दोनों में कि कौ, ए, किस चीज़ को कितना ये जो फ़ंड अलॉट किया जाएगा तो उसी के लिए ये शेयरिंग का काम करता है एक तो ये दो तरह का शेयरिंग होता है एक तो सेंटर और स्टेट का कि ये जो सेंटर और स्टेट का एंड दूसरा कि स्टेट और स्टेट का एक स्टेट और स्टेट का तो इसी को हॉरिजॉन्टल शेयरिंग भी बोलते हैं एंड जब ये सेंटर और स्टेट का जो फंड का अलॉटमेंट होता है तो उसको वर्टिकल शेयरिंग भी बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमने देख लिया कि ये जो फाइनेंस कमीशन है उसका काम क्या होता है ये जो टैक्स रेवेन्यू का शेयरिंग कैसे होगा कितना बटेगा सेंटर में और कितना सेंटर लेगा और कितना स्टेट लेगा और ये भी हम देखते हैं कि एक तो सेंटर और स्टेट का एंड दूसरा कि ये जो स्टेट और स्टेट का शेयरिंग कितना होगा तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं फाइनेंस कमीशन से और एक तो जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो फाइनेंस कमीशन का कौन से आर्टिकल में आता है ये आर्टिकल 280 उसी से हम लोग ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो ये देख लिया हमने अब इसका कंटिन्यूएशन है वो भी देख लेते हैं देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एडिटोरियल आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देखते हैं ये जो पनगढ़िया है टू हेड सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन की तो उसमें क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है संडे को ये नोटिफाइड किया गया प्रेसिडेंट ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने ऑर्डर दिया कि मिस्टर पनगढ़िया से अपॉइंटमेंट के लिए और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और ये पैनल जो है वो अप्रूव्ड कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा कब किया गया ये नवंबर ट्वेंटी नाइन को ही कि मिस्टर पंगरिया जो है और उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एंड ट्रेड इकोनॉमिस्ट भी हैं वो सर्व करेंगे फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग वो भी थे पहले उन्होंने वाइस चेयरमैनशिप संभाला अब वो फाइनेंस कमीशन के हेड चेयरमैन भी बनेंगे और ये जो नीति आयोग है तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं कि नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया है ये जो प्लानिंग कमीशन जो थी पहले उससे रिप्लेस कर दिया गया है और ये कब आया था ये टू थाउजेंड फिफ्टीन से लेके टू तो ये हो गया एंड देन ये जो ऋत्विक ये जो रंजनम पांडे हैं वो क्या करेंगे ये जो अर्लियर ए जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो वो जॉइंट सेक्रेटरी थे इस पैनल के और ये जो पैनल के सेक्रेटरी भी थे और देखते हैं कि एक तो ये चेयरमैन होंगे ही फाइनेंस कमीशन में अदर मेंबर्स भी होते हैं इसमें इस कमीशन में, इस में और जो होल्ड करते हैं ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच दे रेस्पेक्टली एज्यूम ऑफिस अप टू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट और ये रिपोर्ट कब सबमिट हो जाएगा अक्टूबर थर्टी फर्स्ट में और जो भी पहले आ जाए तब तक वो जो है ये सीट संभालेंगे और ये जो अक्टूबर जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है वो डेडलाइन सेट uh, है फॉर द कमीशन टू सबमिट इट्स इट्सेशन सो डेट दे कैन बी इन इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट एक्सरसाइज तो ये सारा चीज और इस बार बजट के लिए क्योंकि इस बार जब ये फेबररी में एवरी ईयर ये जो फैब वन को बजट आता है एंड ये जो थर्टी फर्स्ट जो um, थर्टी फर्स्ट जनवरी को ये सर्वे आता है एंड ये इसलिए अभी मैं क्यों इसका बता रही हूँ क्योंकि ये जो दिस ईयर ये जो ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का ये इलेक्शन ईयर है और जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो इस बार ये इंटरीम बजट आएगा और इंटरीम बजट क्या होता है तो इंटरीम बजट जो होता है उसको टेम्प्ररी बजट भी बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा जब ये इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन का डेट तो अभी नहीं फाइनल हुआ है बट ये है कि अप्रैल मई या मई जून में हो सकता है इलेक्शन और उसके बाद जब ये जुलाई और अगस्त को जब ये आ, ये बजट आएगा तो वो हमारा फाइनल बजट होगा और इस बार ये इंट्रीम बजट होगा और इंटरीम बजट एज़ आई हैव सेड कि ये टेम्प्ररी बजट होता है कि ये कब आता है जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो उस समय सरकार बदलने वाली होती है या तो इलेक्शन के बाद सेम ही गवर्नमेंट आ जाए या गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो बहुत सारी पॉलिसी जो बन चुकी है तो जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है वो सारे पॉलिसीज़ को या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसको चेंज कर देती है तो इसीलिए जितने भी जो बजट है या फिर और जो अलॉटमेंट है तो इसीलिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं लाया जाता और अगर सेम ही गवर्नमेंट आ गई जो पहले थी तो फिर वो ये पॉलिसीज़ हो गई या स्कीम हो गया या फिर फंड का अलॉटमेंट है तो वो सेम रखती हैं या फिर उन्हें लगा तो वो चेंज कर सकती हैं इसीलिए एवरी इलेक्शन ईयर जब भी इलेक्शन का जो ईयर होता है उसमें ये इंट्रीम बजट होता है और ये इंट्रीम बजट आता है और जब इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा कि हु विल विन तो उसके बाद ये फाइनल बजट आएगा और तभी है ना मेन जितने भी स्कीम्स हो गई या सारी चीज़ें हो गई और बजट में कितना अलोकेट होगा या कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी तो वो सारा कुछ वो मेन बजट में लाया जाएगा तो ये हमने देख लिया अब हम चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल है उस पर लेकिन उससे पहले अगर आपका अगर आपको इसका जितने भी चीज़ें मैं बताती हूँ या जो भी अभी तक मैंने वीडियोस लिए हैं अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पी ले सकते हैं तो चलिए अब हम लोग एडिटोरियल आर्टिकल पर चलते हैं तो अब ये डिस्कस करते हैं रीडिंग द फॉर ट्वेंटी फॉर 2024. तो इसमें सारा जो है एक तरह का 2023 में जितनी भी सारी चीजें हुई हैं ये उसका समरी है तो बोलते हैं ना कि चाय पे चर्चा तो ये जो आर्टिकल है ये उसी टाइप का है तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे तो इसमें है कि ट्रैकिंग द लाइकली ट्रेजेक्ट्री ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ कि ये जो अभी जो आने वाला समय है उसमें क्या होगा वो उसी बेस पे डिफाइन होगा जो पहले जो चीज जो समय गया है और वो क्या क्या हुआ है ये ब्लेंड है एंड होप एंड रियलिज्म है मे बी द बेस्ट यार डिस्टिक कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में तो उससे है ना बेटर हो क्योंकि ये पास्ट ईयर का विटनेस है ये जो आर्टिकल है ये पास्ट ईयर का विटनेस है और उसी का कंटिन्यूशन भी है और इसी पर डिफाइन होगा कि ये जो पॉली क्राइसिस है मतलब ये जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है तो वो बिगेन हुआ है विद द न्यू डिकेट जैसे कि इसमें कोविड न्यू डिकेट क्यों बोल रहे हैं जैसे ये 2020 से कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि 2020 से ये जो डिकेट होगा और ये 2030 तक इसीलिए तो ये न्यू डिकेट से ही स्टार्ट हुआ जैसे कोविड 19 में पेंडेमिक आया फिर उसके बाद ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड शार्पनिंग क्लाइमेट चैलेंजेस और बहुत सारी क्लाइमेट चैलेंजेस हुए कि एज़ यू हैव सीन कि ये जो तमिलनाडु है वहाँ पर फ्लड आया हुआ है जबकि पहले ऐसा बोला जाता था कि वहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होता था अच्छे से और अभी जो है पहले वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होता था अच्छे से और अब वहाँ पे फ्लड आया हुआ है या हर जगह जैसे दुबई में वहाँ पे भी फ्लड आया है लेकिन वहाँ पहले बोला जाता था कि वो इतनी गर्मी होती है डिज़र्ट वाली एरिया है लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे भी फ्लड आना स्टार्ट हो गया है तो ये जो क्लाइमेट का भी बहुत चैलेंजेस आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एंड दे भी बोला जा रहा है कि ये डेप्ट का बर्डन वो भी इनक्रीज़ हो जा होगा और ये हो भी रहा है ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर और अभी जो रिसेंट जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये इज़राइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट जो अभी तक कंटिन्यू ही है क्योंकि ये अभी इनके जो बेंजामिन नितिन याहू है उन्होंने बोला क्या कि ये जो हमास और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल का वो कंटिन्यू रहेगा और उन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें उन्होंने जो डिसाइड किया है वो त, नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू ही रहेगा तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड गेट सम रिलीफ एंड ट्रेवर्स इन शाइनी पैच और ये जो प्रडिक्शन लगाया गया है ऑफन ये जो अनरियलाइबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अनसर्टेन होती जा रही हैं एंड इसी के लिए ये कह रहे हैं कि इनफॉर्म्ड रीडिंग Of where we stand today to determine what where we may arrive in December 2024. जैसे अभी ये जो दिसंबर का time था 2023 में तो क्या ये जो situation चल रही है तो क्या हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि जब ये दिसंबर 2024 आएगा तो कैसा situation होगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो happening और uncertain हो रहा है तो अभी कुछ पता नहीं है कि world में और क्या क्या होगा और उसी का एनालिसिस लगाया जा रहा है जो अभी प्रेजेंट जो ऑब्जेक्टिव का इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसी पे कि ये इन्फ्यूज़ किया जा रहा है सेंस ऑफ हिस्ट्री और जितने भी जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं ये उसी के मुताबिक है ना बहुत सारी चीज़ें का अनुमान लगाया जा रहा है और ये एनकर्ड किया जा रहा है और कन्विक्शन लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो रिसेंट रिकॉर्ड है जो स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और ये ड्राइव कर रहा है प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी क्योंकि इंडिया अभी जो है उसको ग्रोथ से मतलब है और उसने इंडिया को अभी ग्रोथ चाहिए क्योंकि इंडिया ने बोला है कि ये जो इंडिया को ये जो अब ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक इसको जो है फाइव ट्रिलियन कंट्री में शामिल हो जाना है फ़ाइव ट्रिलियन डॉलर और अभी रिसेंटली जब मोदी जी का ए, इलेक्शन के दौरान कैंपेन लगा था तो उन्होंने बोला था कि अगर ये जो उनका गवर्नमेंट है वो जीत जाता है तो ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से लेकर के जब ये इलेक्शन ईयर है तो ट्वेंटी ट्वेंटी तक वो कोशिश करेंगे कि जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में आ जाएगी तो जब ये इतना ज़्यादा है ना इस टाइप का स्कीम बना रहा है या इस टाइप का इन्होंने इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट बनने का सोचा है तो इसने क्या क्या जो एक्टिविटी की है तो ये इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है जैसे ये प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी है वो एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ ये जो यूटिलाइजिंग डायलॉग है क्योंकि ये किसी के साथ उलझना नहीं चाह रहा इसीलिए ये डायलॉग और नेगोशिएशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो डायलॉग एंड नेगोशिएशन एज द प्रेफर्ड पाथ टू पीस एंड प्रोस्पैरिटी और ये वॉर और पीस है तो इंडिया किसको चुन रहा है तो इंडिया ने पीस को चुना है और ये जो लास्ट ईयर का था वो क्रिटिकल इशू बना हुआ था जैसे कि टू काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जैसे ही यूक्रेन में रशिया के साथ एंड गाज़ा जो इसराइल के साथ चल रहा है तो ये एक ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन है और ये जब देखा जाएगा कि ये जब एंड होगा 2024 तब कैसा सिनेरियो रहता है क्योंकि बेंजामिन नितिन याहू ने बोला है कि इस जो कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि ये वॉर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये जो उनका गोल है वो कंप्लीट ना हो जाए और उन्होंने गोल क्या क्या रखा है गोल ये रखा है कि इसराइल के जितने भी हॉस्टेजेज हैं जो वहाँ के नॉर्मल सिटीज़न है जिसको बंदी बना के रखा है हमास ने वो जब तक छूट नहीं जाता तब तक वॉर कंटिन्यू रहेगा और फिर उन्होंने बोला है कि ये हमास का पूरा डिस्ट्रक्शन कर देंगे कि पूरा ख़त्म कर देंगे हमास को एंड देन आफ्टर ये जो इफेक्टिव डिफरेंस लिया जाएगा ताकि इंश्योर हो कि गाज़ा है ना आगे से कभी वो थ्रेट ना पहुंचा सके इसराइल को तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती तब तक वॉर नहीं रुकेगा और ये एट द टेल इंड विल लास्ट द सेवरल मोर वीक इन अनसर्टेन तो अभी भी जो है ये न्यू ईयर तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन जो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो पता नहीं है कि कब क्या हो जाए इसीलिए कोई क्लैरिटी नहीं है और वो अनसर्टन है और ये इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये सेसेशन ऑफ वॉयलेंस है और बहुत सारी चीजें जो अन ये जो ब्रिजेबल है और गैप बन गया है टू साइड्स ऑफ द इनॉर्मस एंगर एंड एंग्विश क्रिएट हो गया है ये जो जितने भी रिसेंट नॉस्टैलिटीज हैं उसमें और ये विदाउट ए पॉलिटिकल हॉरिजोन और ये आर्टिकल और ये जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है अगर इसी को कोर्ट बना के पूछ दिया जाए तो इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है विदाउट ए पोलिटिकल हॉरिजोन इसराइलीज़ एंड पेलेटीनियज विल कंटिन्यू लिविंग फ्राम एस्केलेन टू एस्केलेन क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के कोट जो है वो पूछ दिया जाता है एंड जिसका पी एस आई आर ऑप्शनल है तो उसको भी उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो ग्रोइंग रीजनलाइजेशन रिज, है क्योंकि अभी जो है टेरिटरी पे बहुत फोकस किया जा रहा है जैसे इंडिया भी ये आत्मनिर्भर भारत उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ये खुद को आ, सेल्फ ना इंडिया जो है और अभी रिसेंटली जब मोदी जी का आया था तो उन्होंने बोला है कि ये जो विकसित भारत होना चाहिए विकसित भारत क्या है डेवलप्ड भारत तो ये डेवलप्ड भारत होना चाहिए तो ये हो गया और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो रीजनलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो गया है क्योंकि ये जो यमन बेस्ड ये जो हाउथी मिलिटिया है जो सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा इरानियन सपोर्ट किया जाता है तो उसने क्या किया है ये जो यूएसए का जो वेसल था उस पर अटैक कर दिया है ताकि यूएसए इसराइल को सपोर्ट ना कर पाए और ये अभी कंटिन्यू चलता रहेगा 2024 में भी और हमने ये भी लास्ट ईयर में ये भी देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो और ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है होते जा रहा है और डेसिफर बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ दो कंट्री के बीच में ही नहीं है दो नेशन के बीच में ही नहीं है बिकॉज ये बहुत सारी कंट्री इससे जुड़ी हुई है। हैं जैसे ये जो रशिया है और यूक्रेन है तो रशिया किसको स, ये जो चाइना है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है लेकिन यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है यू एस और यू एस ना चाह रहा है अपने वेपन्स वगैरह भी दिया इसने ताकि ये जो यूक्रेन है रशिया से ना हारे और रशिया भी इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा है कि एक छोटी सी कंट्री जो नेबर कंट्री है कि मैं उससे कैसे हार सकता हूँ इसीलिए रशिया ने भी पूरा ज़ोर दे दिया है और ये जो वेस्टर्न सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जो भी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी होती हैं तो यूएसए का अलाई होता है वो और यूएसए क्या करता है उस कंट्री को बचाने के लिए पूरी जोर लगा देता है तो इसीलिए ये जो है ना पॉरिंग बिलियंस ऑफ dollars इन टू ए that Ukraine यूक्रेन हैज लिटिल होप ऑफ विनिंग तो यूक्रेन का है ना बहुत कम चांस था कि वो जीत पाए तो इसीलिए यूएस ने क्या किया कि पूरा जोर लगा दिया है कि यूक्रेन जीत जाए किससे रशिया से और ये जो इंडीड है नो लॉन्गर क्लियर रोड एंड ये जो एन ब्रिमर है जो प्रेसिडेंट है यूरेशिया ग्रुप के उन्होंने बोला कि यूक्रेन कैन प्रिवेंट फर्दर रशियन advances through 2024 क्योंकि रशिया ने बोला है कि रशिया हैविंग फेल्ड टू प्रिवेल ओवर ए स्मॉलर नेबर तो ये यूएस इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि समवेयर ये रशिया फेल हो रहा है लेकिन रशिया है ना पीछे नहीं हट रहा है कि मैं जो छोटी सी कंट्री है नेबरिंग कंट्री मैं उससे हार कैसे सकता हूँ तो इसीलिए इनका जो वॉर है वो कंटिन्यू बना हुआ है ये जो बिटिंग इकोनॉमिक सैंक्शन है जो नियर यूनिवर्सल कंडमेशन बाय द यूनाइटेड नेशन तो एंड इंटरनल अपील तो बहुत सारे जो है ना रशिया में भी रशिया को भी बहुत रशिया पे भी बहुत सारा ये जो सैंक्शन लगा दिया गया है और ये बोला गया है कि जो भी कंट्रीज उससे अगर ट्रेड करती है तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगा लेकिन इंडिया ने इस बात की चिंता ना करते हुए अभी जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर वो अभी जो आ, दिसंबर में जो लास्ट फाइव ईयर ये जो लास्ट वीक था 2023 का तो उस पर फाइव डेज़ के विजिट पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का है ना एग्रीमेंट बनाया है और एम भी साइन किया है जैसे मैंने लास्ट टू थ्री जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया है और मैंने ये प्रिलिम बूस्टर का भी स्टार्ट किया है तो प्रिलिम बूस्टर में आप जाके देख सकते हैं कि ये मैंने ये जो लेक्चर वन है और लेक्चर वन एंड टू जो लिया है तो उसमें भी मैंने ये जो कुदान कुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका अभी जो डील हुआ है जो इन जो कब कंप्लीट होगा 2027 में तो उसका भी डील हुआ है मेडिसिन पे भी डील हुआ है फार्मा पे भी डील हुआ है और भी सारी चीज़ों पे डील हुआ है तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये भी बोला जा रहा है कि व्हाइट हाउस में ये जो जनवरी 2025 को इलेक्शन होगा और ये जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन वो गेट ए सेकेंड टीम और सेकेंड ए टर्म तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना हुआ है क्योंकि अभी जस्ट वन वीक अगो ये न्यूज़ आया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको इम्पीचमेंट के लिए के बोल दिया गया है कि उनका इम्पीचमेंट होगा तो बहुत सारी चीज़ें ये जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बाइडन है ना नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से आ सकते हैं एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जो यूरोपियन पिलर है नाटो का विल हैव टू कैरी अ ग्रेटर बर्डन टू एंश्योर डैट यूक्रेन स्टे ऑन द बैटल फील्ड और अमेरिका पूरा जोर लगा के बैठा है कि यूक्रेन है ना वो वॉर से ना हटे और वो जीते ही इसीलिए वो जितना सारा सपोर्ट चाहिए वो सब दे रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है ये जो न्यू वॉयलेंट है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टराइज होगा 2024 में भी क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी है एक तो एक तो इंडो पैसिफिक के रीज़न में अभी ताइवान हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया या फिर साउथ चाइना सी तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना हुआ है और फिर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का चाइना क्योंकि चाइना चाह रहा है कि ये जो साउथ चाइना सी वाला रीज़न है उसको कैप्चर करने का और इसीलिए उसने सबसे वो बहुत सारे जो रीज़न है वहाँ पे वो कैप्चर कर रहा है और अभी रिसेंटली उसने जो फिलीपींस है उस पर अटैक किया है तो ये जो फ़िलीपींस है तो फिलीपींस के उसकी जो टेरिटरी है उसके तरफ एक फ्लोटिंग बैरियर क्रिएट कर दिया है और वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री को भी बैठा दिया है जिसके कारण ये जो फिलीपींस की ये सॉबर्निटी थ्रेट हो रही है तो ये सारी चीज़ें हैं फिर उसके बाद इंडिया चाइना का ये कंटेस्टेशन हुआ और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग रिस्ट द रिसेंट बाइडन जी जिनपिंग समिट इन कैलिफोर्निया तो ये जो कैलिफोर्निया में मीटिंग भी हुई है यूएस एंड चाइना का जिसके कारण जो है ना इन मोटिवेशन टू अवॉइड एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट और जब मीटिंग से ये है ना निष्कर्ष निकला कि वो लोग आर्म कॉन्फ्लिक्ट में नहीं शामिल होंगे भले कोल्ड वॉर हो सकता है या फिर उन लोग का ट्रेड वॉर हो सकता है और ये जो ट्रेड वॉर कैसे होगा तो ट्रेड वॉर जो है वो एक दूसरे कंट्री पे सैंक्शन लगा के या फिर टैरिफ राइज करके तो ये सारी चीज़ों से ट्रेड ट्रेड वॉर हो सकता है अब हम लोग देखते हैं ये जो कंसर्निंग है लद्दाख इशू क्योंकि ये जो लद्दाख का बहुत सारा एरिया है उस पर भी है ना चाइना धाबा बोलना चाह रहा है और बहुत सारे एरिया को वो कैप्चर करना चाह रहा है और ये कहता है कि वहाँ का जो एरिया है वो चाइना को बिलोंग करता है एंड प्रोटेक्टेड इम, ये जो इम्पास इज लाइफली टू कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन चाइनाज़ पार्ट एंड द इम्परेटिव फॉर इंडियाज रेजोल्यूटनेस तो ये सारी चीज़ें हैं और इंडिया ने गेन क्या किया है इस ये जो बीते साल में तो इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो स्कोल्ड हैंड हैंडसमली क्योंकि इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और ये ट्रैक भी अचीव किया है इसने जो क्योंकि इंडिया का जो मैनेजमेंट है और सारे कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है और इसका जो मेज़र पावर है वो अप टू द मार्क रहा है और वही है ना इंडिया को की सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का रीज़न बना है कि इंडिया को लोग वैल्यू देने लगे हैं और रिकॉग्नाइज करने लगे हैं और ये पावरफुल कंट्री मानने लगे हैं क्योंकि इंडिया ने क्या किया है ये जो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस है और इन्हांस किया है ये जो डिफेंस कॉरपोरेशन में और एक्सपांड किया है कॉन्ट्यूर्स ऑफ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो आईसेट में भी मेजर रोल प्ले किया है और ये जो खालिस्तानी इशू हुआ था और रेपरकशन ऑफ ये जो पेन्नम निजर सागा नो डाउट कास्ट डार्क सैडो डेट मे लिंगर ऑन फॉर ए वाइल्ड अनलाइकली टू हर्ट द ग्रोइंग्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन द मीडियम टर्म तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट हुआ था कि उसमें जो मांग की जा रही थी कि पंजाब को अलग कर देना चाहिए तो ये एक रीज़न बना जिसके कारण है ना इंडिया को कुछ क्रिटिसाइज झेलना पड़ा और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि और बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे इंडिया में जाने से मना कर दिया कि वहाँ पे जो है सिचुएसन सही नहीं चल रहा है तो इंडिया में जाना ठीक नहीं है और उसी के कारण जो कनाडा के साथ इसका रिलेशन भी ख़राब हो गया था ऑल बिकॉज ऑफ खालिस्तानीज और ये भी जो है कॉपरेशन एंड यूरोपियन यूनियन तो ये जो बाइल रिलेशन है इंडिया अभी सारे लोगों से या सारी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है और वही है इसकी ये जो की मेंबर स्टेट्स है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव पॉजिटिविटी फैला रहा है और वही ये जो फ्रेंच के और उसी का नतीजा है कि ये जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो विज़िट करेंगे ये जो चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में क्योंकि पहले जो था पहले यू एस एज़ ए चीफ़ गेस्ट आने वाला था लेकिन अभी वहाँ पर भी इलेक्शन का दौर है और टाइम चलेगा तो इसी लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ पाएंगे तो एज़ अ चीफ गेस्ट ये जो रिपब्लिक डे पे जो इमेन मैक्रोन है वो यहाँ पे विज़िट करेंगे और उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा एंड ये जो कोलेब्रेशन भी होगा और ये जो वाइटल स्ट्रेटजीज पार्टनर भी में भी ज़्यादा क्लोजनेस आएगा क्योंकि बहुत सारा ये जो कोलेब्रेशन और इस्ट्रेटी साइन होगा और ये भी देखेंगे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है फर्दर कॉन्सोलीडेट कर रहा है क्वाड में और क्वाड के कितने मेंबर है फोर और वो कौन कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया इंडिया हो गया जापान हो गया एंड यू एस तो ये सारे जो है और ये जो डायरेक्शन है इंडियाज़ के रिलेशन का कि ये जो रशिया के साथ भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है और दिल्ली एंड मॉस्को स्किप्ट द एनअल समिट फॉर टू इयर्स है और जब इनका जो समिट हुआ था तो ये अभी स्किप्ट कर दिया है लास्ट टू इयर्स है बट स्टिल ये, ये जो रशिया और इंडिया के रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आई है क्योंकि अभी जो है क्योंकि चाइना का चाइना और रशिया जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुके हैं तो उसी की वजह से इंडिया को डाउट था कि अभी जब ये इंडिया के साथ ट्रेड होने वाला था तो रशिया अच्छे से ग्रीट करेगा या नहीं करेगा बट रशिया ने वम वेलकम किया है ये जो मिनिस्टर ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका और बहुत सारे एम भी साइन हुआ है जिसमें मैंने अभी बताया कि तो ये जो फार्मा में ट्रेड में फिर उसकी मेडिसिन में एंड ये जो कुल, कुदान कुदानकुल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसमें भी और ये जो अचीवमेंट क्या किया है इंडिया ने बीते लास्ट ईयर में जैसे जी ट्वेंटी का प्रेसिडेंसी फिर कलमिनेटिंग इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू दिल्ली लीडर्स क्योंकि अभी दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ फिर डेक्लरेशन विद हंड्रेड परसेंट कंसेंसस ये सारी चीजें हुई और ये जो ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका है तो ये जो नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसीज कौन करेगा ये जो ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका तो इंडिया विल नो डाउट एक्सर्ट एज मच इन्फ्लुएंस एंड डिटर्मिनेशन इट कैन सिक्योर ऑप्टिमल इंप्लीमेंटेशन तो इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है अभी लेकिन इन सब की वजह से एक चैलेंजेस भी है और वो हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है तो इंडिया जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है नंबर वन चैलेंज बना हुआ है 2024 में भी क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है तो वंस इंडियाज बैकयार्ड तो पहले ये जो चाइना है ना अब इसको रोल कर रहा है लेकिन पहले क्या था इंडिया है ना रूल करता था साउथ चाइना ये जो साउथ uh, एशिया पे लेकिन अब है ये जो चाइना रूल कर रहा है क्योंकि जितने भी कंट्रीज है तो चाइना ने क्या किया है उनको अपनी तरफ कर लिया है जैसे मॉलदीव्स से श्रीलंका नेपाल भूटान और ये जो बीजिंग्स का इंटूशन है वो फ्यूल्ड किया जा रहा है इकोनॉमिक लार्जेस्ट में एंड और ये जो स्ट्रेटेजिक विजन है जिसका एम है कि इंडिया को है ना डाउनवर्ड दिखाना और उसके जितने भी नेबरहुड कंट्री है इंडिया की उसको उससे अलग कर देना उसके अगेंस्ट कर देना और यही वाली पॉलिसी वो अपना रहा है ताकि वो ना काउंटर स्ट्रेटजी अपना सके और ये यूज़ कर सके इंडिया के खिलाफ क्योंकि अभी जैसे ये मालदीव्स के ये जो मोज़ो आए हैं जो नए प्रेसिडेंट है तो उन्होंने जितने भी एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ तो इंडिया और मालदीव्स के जितने भी एग्रीमेंट है तो उसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो प्रो चाइना हो रहे हैं और जो इंडिया में इंडिया की जितने भी जो मिलिट्री है मालदीव्स में तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे ये मिलिट्री वापस हो जाए ताकि वहाँ पे चाइना की मिलिट्री आ सके और वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको लगता है मालदीव्स में कि उनकी सोवर्निटी खतरे में है इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जो उनकी मिलिट्री है इंडिया की वो वापस चली जाए और इंडिया ने अभी क्या क्या किया है वो देख लेते हैं कि इंडियाज़ का जो एक्सपर्टीज़ है डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो भी इन्हांस हुआ है और रेडीनेस टू अकॉर्ड ए प्लेस ऑफ प्रायोरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसने अपना नाम किया है और उसमें भी ये जो है अवेयर हो रहा है और इसमें डेवलपमेंट करना चाह रहा है इंडिया और इसका जो नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है और इसने क्या किया है मल्टी ग्रुपिंग भी किया है जैसे जी ट्वेंटी में ब्रिक्स में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन उसमें भी एंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसको बिमस्टेक बोलते हैं एंड नीड टू पुश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म विल डिमांड सीरियस अटेंशन और इंडिया चाहता है कि जो जो यू है उसमें भी ये जो रिफॉर्म होना चाहिए ताकि इंडिया है ना वहाँ का पर्मानेंट मेंबर बन सके अभी इंडिया जो है वो टेम्प्ररी मेंबर है एंड देन ये ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये ब्रिक्स का नेक्स्ट ईयर समिट होने वाला है और उसको हेड कौन करेगा रशिया तो रशिया है ना इस बार चेयर करेगा ब्रिक्स का तो ये सारी चीज़ें देख ली अब देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड में का जो फोर्थ कमिंग जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है तो उसमें नया कैसे माइल अचीव किया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड का जो है ये डेवलपमेंट हो इंडिया का और वर्ल्ड लार्जेस्ट ये जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जो इंडिया एक डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में तो इसका और कैसे डेवलपमेंट हुआ हो और कैसे नाम हो तो इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये हमने बहुत डिटेल में ये सारे आर्टिकल देख लिया अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे तो सबसे पहले हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे कि एंड गेम क्या है ये जो ट्राइपाइट ये ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट है जो गिव्स ऑनरेबल एग्जिट टू कार्ट कैडर्स ऑफ मच वीकेंड उल्फा और ये किसके बीच में साइन किया गया है ये दिल्ली के बीच में और ये ट्राई एग्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि न्यू दिल्ली ये जो प्रो टॉक फैक्शन हुआ है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का जो असोम जो आसाम की गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट एंड जो आसाम का स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में साइन हुआ है और ये फिफ्टीन ईयर्स का जो पुराना जो वहाँ पर उल्फा चलता था तो उसको ख़त्म करने की बात की गई है और उसी को बोला गया है ये प्रो टॉक फैक्शन और इसीलिए वो अरेस्ट कर दिया गया है और वो खत्म कर दिया गया है और ये जो 2011 में जो फॉलो किया गया था यूनि सीज फायर जो उल्फा जो है प्रोटॉक फैक्शन लगा था वो अब सस्पेंड कर दिया गया है और वो उसकी जो एग्रीमेंट थी वो भी खत्म कर दिया गया है और इसको बोला क्या गया था ये जो नव निर्माण केंद्राज नव निर्माण केंद्राज़ तो वो एंड कर दिया गया है वो थर्टी टू ईयर ओल्ड जो इंसर्जेंसी थी उसको तो इसीलिए ये न्यूज़ में है और इसमें मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी साइन किया गया है जिसमें ये एग्री किया एग्री किया गया है कि सरेंडर कर देंगे आर्म्स एंड वेकेट दियर कैम्प से जो वहाँ पे जो नक्सलाइड है उनकी वजह से ये उल्फा लगा था तो अब ये ख़त्म कर दिया गया है और वो भी एग्रीमेंट भी बनाया गया है कि जो वहाँ पे आर्म्स के लोग जो रहते थे तो वो वहाँ पर खाली कर देंगे उस कैंप को और वो वहाँ का जो जगह है वो फ्री हो जाएगा लोग वहाँ अच्छे से रह पाएंगे तो ये जो वहाँ के जो कमांडर इन चीफ़ हैं तो वो उनकी जो आउटफिट हो गई या परवेश ये जो बारुआ तो हैड अपोज द डायलॉग प्रोसेस इन 2009 तो वहाँ पे हटाने की बात कब से स्टार्ट हो गई थी 2019 से ही कि वो वहाँ पे ये जो उल्फा लगा है और ये जो इंसर्जेंसी लगा है वो ख़त्म कर दिया जाए लेकिन तब से वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था लेकिन अब जाके उनको ये राहत मिली है क्योंकि अब ये जो सोवर्निटी का इशू था कि जब तक वहाँ पे उल्फ़ा रहेगा या किसी जगह पे पूरे टेरिटरी पे वहाँ पे मिलिट्री फैली हुई थी तो वो लोग को लगता था कि सोवर्निटी का थ्रेट है तो इसीलिए वो 2019 2009 से ही चाह रहे थे कि ये ख़त्म हो जाए बट अब जाके ये ख़त्म हुआ है और इसी की वजह से उनको ये इंडिपेंडेंट सा फ़ील हो रहा है कि अब हम फिर से आज़ाद हो हो गए और ये भी है कि ये जो रूरल आसाम है इवन आफ्टर द आसाम अकॉर्ड 1985 है और ये पैंतीस साल का किस लिए बोला जा रहा है क्योंकि 1985 से ही चला आ रहा है कि वहाँ पे तब से वो जो उल्फ़ा वहाँ पर लग गया था और तब से ही वहाँ पर मिलिट्री का पूरा आर्म्स और राइफ़ल ले कर वहाँ रहते थे और ये लोग को लगता था कि हमारे पास आज़ादी नहीं है तो वो लोग को आज़ादी मिली है पैंतीस साल बाद और ये स्पेशली अमोंग सेक्शंस ऑफ आसाम पिसेंट्री ड्यू टू इट्स वायलेंट टैक्टिक्स टारगेटिंग सिविलियंस सच एज माइग्रेंट वर्कर्स है क्योंकि अभी वन ईयर पहले भी न्यूज़ आया था कि जो वहाँ पे एक बोलेरो गाड़ी में जो एट और नाइन जो नॉर्मल पीपल थे और वहाँ पे मिलिट्री इतनी सख्त है कि हर कदम पे वहाँ पे मिलिट्री होती है और अगर वो आवाज़ दे और नॉर्मल ये जो सिविलियन है वो रुकते नहीं हैं या उनको रिस्पोंड नहीं करती है तो वो लोग इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनको गोली मार देते थे और उनका मर्डर कर देते थे और ऐसा जो है वो श्रीनगर में भी हुआ है जो जम्मू कश्मीर तो वहाँ के एप्पल जो का जो वहाँ पे एप्पल का जो मैनेजर थे जो वहाँ पे शोरूम था और उसके मैनेजर थे तो वो वहाँ पे रात में जा रहे थे लेकिन अगर उन्होंने रिस्पोंड नहीं किया तो उनको गोली मार दी गई एंड ये जो एट नाइन जो सिविलियंस थे जो अपना काम करके ये सारे लोग हैं ना जा रहे थे अपने घर लेकिन इनको शायद आवाज़ दिया गया और इन्होंने रिस्पोंड नहीं किया गया तो उनको गोली मार के आठ नौ जितने भी पीपल थे उन सबको मार दिया गया तो उसके कारण बहुत ज़्यादा आसाम में वॉयलेंस फैल गया था कि ये जो उल्फ़ा है और वहाँ के जो आर्मीज़ है वो बहुत ज़्यादा मनमान नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई टेररिस्ट नहीं थे ये नॉर्मल पीपल थे जो काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे तो यही सारी चीजें हैं और इसीलिए ये जो मिलिट्री ऑपरेशन भी है भूटान के द्वारा भी चलाया गया है और कब स्टार्ट किया गया था ये 2000 में ही ताकि ब्रॉट ईयर से इन्सर्जेंट माइट एंड लेटर द ये तो शेख हसीना लेड अवामी लीग गवर्नमेंट उस बांग्लादेश में वो भी बोल रही थी कि ये जो आउटफिट ये जो आउटफिट है लीडर्स का वो भी हैंड ओवर कर देना चाहिए अब जब से ये ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे क्या है ये जो इंडिजिनस पीपल है आसाम के वो ज़्यादा फ्रीली महसूस कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऑनरेबल एग्जिट कि वो अभी ये जो है खुला फील कर रहे हैं एंड ये जो बारुआ लेड ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलन ड्रास्टिकली इन रिसेंट ईयर्स और ये सबसाइडेड ड्रामेटिकली ये जो ओवर द ईयर्स है इन आसाम तो ये सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही है एंड वहाँ पे क्या है ये जो सी है और कि वहाँ पे कौन मेंबर है कौन नहीं है और वहाँ जो आसाम का कौन सा सिटीजनशिप है या नहीं है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है और एक तो ये है जो ट्रांस माइग्रेशन भी होता है बहुत क्योंकि ये बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है ये इलीगली यहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं और वो जो है टेरोरिज्म फैलाते हैं तो वो भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है तो यही सारी चीजें हैं मेजरली इसमें था कि ये जो उल्फा को खत्म कर दिया गया है वो भी पैंतीस साल बाद तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं फ्लड्स एंड ए प्रिवेंटिव मेजर्स डैट नीड्स रिव्यू कि ये जो फ्लड्स हो रहा है इतना ज़्यादा तो उसका प्रिवेंटिव मेज़र्स क्या लेना चाहिए और कैसे ये ख़त्म होगा जैसे ये इतने सारे जो साइक्लोन आया था ये जो मिचाउ है वो पास किया और उसकी वजह से जो रेसिडेंट है ये चेन्नई में तो अभी तक वहाँ पर वो फ्लड फैला ही हुआ है और इसका जो है ना डिसीज़न कौन लेगा और इसी के बिहाव में ये जो राइटर हैं डॉक्टर मनी सिभा सुब्रमण्यम तो वो हार्ट सर्जन है और ऑथर है और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जब से मिचॉन्ग साइक्लोन आया है तब से वहाँ फ्लड का बना ही हुआ है और ये बहुत दिक्कत वाली बात है तो इसमें एक जो डिसीज़न है वो कौन लेगा और कैसे ये सारी चीज़ें सही होगी और ये चॉइसेस हेड कॉन्सिक्वेंसेज और ये सारी चीज़ें जो विजिबल है और ऑब्वियस है जो दिख रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये छुपा हुआ है जो कि इसको टैकल ना किया जा सके और ये बोला जा रहा है कि ऐसा रेन है ना 2015 में हुआ था तो बोला जाता है कि चॉइस टू होल्ड ऑफ द रिलीज वाटर फ्रॉम ए नियरली फुल रिजर्व कि इस पानी को कहीं पे अलग पे है ना वो ट्रांसफ़र किया जाए और इसकी वजह से क्या है इतना ज़्यादा वहाँ पे है ना साइक्लोन की वजह से वहाँ पे फ्लड इतना आ चुका है पानी इतना भर चुका है तो उसमें जो है वो पावर की भी दिक्कत हो रही है पावर की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की और उसकी वजह से बहुत सारे जो कर, लोगों को भी बहुत खतरा है कि डेंजर्स इन ए होम विदाउट पावर कि वहाँ पर या तो पावर दे नहीं देंगे तो वहाँ पर पानी कैसे आएगा खाना वगैरह कैसे होगा और अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट लगने की वजह से उनकी जान जा सकती है तो चॉइस टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू एरियाज वेयर साइक्लोन विंड्स कैन डैमेज पावर पावर केबल्स और ये जो लाइफ्स है और क्योंकि है ना वो ये जो वायर ड्रॉप कर गई है फ्लडेड स्ट्रीट पे कि ये जो रोड पे जहाँ पे पानी लगा हुआ है तो वहाँ पे जो है ना वो तार और विंड के कारण है ना वो ऐसे खाली तार वहाँ पानी में है तो वहाँ पे ये जो और ये पावर सप्लाई भी नहीं हो सकता है इसीलिए बहुत सारा दिक्कत उन्हें झेलना पड़ रहा है और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिया जाएगा वो पूरे एरिया के लिए तो ये भी एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है और ये डेंजरस है सारे लोगों के लिए क्योंकि वहाँ पे जितने भी रिलेटिव लोग हैं जो वो फॉल करते हैं या ब्रेक के पे ए वरी डैट इट कैन बी एस लाइफ थ्रेटनिंग और सफरिंग हार्ट अटैक क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन का जोन बना हुआ है और इतना करंट लगने की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत निकल के आ रहा है इसीलिए डॉक्टर ने ये आर्टिकल लिखा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग का विषय बना हुआ है और इसमें जो है थर्टीन पॉइंट एट करोड़ पीपल है ओवर द एज ऑफ थर्टी ओवर द एज ऑफ सिक्सटी इयर्स की ये जो थर्टीन पॉइंट एट करोड़ पीपल जो है वो साठ साल के एज के हैं या उससे ऊपर के तो उनको भी है ना हार्ट अटैक का बहुत शिकायत आ रहा है तो ये सारी चीज़ें भी हैं वो चिंता की बात बनी हुई है और ये जो ट्वेल्व मिलियन प्लस ये जो मिलियन है वो पॉपुलेशन जो फाइव लैख है तो पीपल आर एबव द एज और उससे ऊपर के हैं और ये जो पचास हज़ार जो है वो एट्टी के ऊपर के हैं तो ये सारी जो लोग हैं तो इनमें जो है हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है और ये जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न बना हुआ है कि कैसे है ना इलेक्ट्रिसिटी लाया जाए वहाँ पे क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो एक्सीडेंट और इंजरीज के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट और जो क्राउल कर रहे हैं और हाउस में तो ये भी है कि वहाँ पर सांप और बिच्छू और जो मॉस्किटोज और जितने कीड़े मकोड़े हैं वो भी घर में घुस रहे हैं तो उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा जान जा रही है तो ये सारी दिक्कत है ना वो लोग फेस कर रहे हैं एंड इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो खुद को सेफ रखें क्योंकि वो कैसे सेफ़ रखेंगे जब इतना पानी भरा हुआ है और इतना फ्लड है सब तरफ क्योंकि एक तो पावर कनेक्शन की वजह से दिक्कत हो रहा है और दूसरे कि ये जो इंसेक्ट और रेप्टाइल की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ बहुत थ्रेटनिंग बनी हुई है और ये एक चैलेंजिंग है और ये सब जब हो रहा है तो उनके लिए एक और चैलेंज पैदा करता है साइकोलॉजिकली कि उनके माइंड पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और वहाँ के लोग बहुत स्ट्रेसफुल है और ये जो कैटा स्लिस्मिक ये एक टर्म आया है जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि ये जो एक्सट्रीम जो टेंशन है और उसके वजह से ये उनकी जो इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल जजमेंट है वो ख़त्म हो रही है कि लोग अपने सोचने और समझने की ताकत खो रहे हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में वहाँ के लोग हैं और ये उनका जो पर्सनल स्ट्रेंथ है और कॉन्फिडेंस है वो भी ख़त्म हो रहा है तो ये एक बहुत ज़्यादा डार्कर साइड बन गया है वहाँ के लोगों के लिए एंड ये जो सीरियस है इवेन ये ड्रामेटिक ये जो कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो ये कब ख़त्म होगा तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा है ना वो कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के लोगों की जो है ना लाइफ सेव हो पाए और वो फिर से जैसे वो पहले थे तो वो फिर से उनकी जो लाइफ और सेफ है ना वापस मिल जाए ये जो टेरिबल ये जो टेरिबल इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज हो रही हैं उसके अगेंस्ट में अब देखते हैं या स्टिक मस्ट बी जस्टिफिकेशन कि वहाँ के जो रीज़न है या नेबरहुड है स्ट्रीट है या स्मॉल एरिया या होम ये सारे जो है ना वो डिसीज़न और ये जो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं इस रीज़न पे तो ये सारी बहुत दिक्कत से वो लोग गुजर रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें डैमेज भी हो रही हैं और इसीलिए उनका जो पॉली ये डायमेंशनल हो गया या मल्टी वेरिएबल हो गया या सिनेरियो जैसे नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो ये एक चैलेंज का कारण बना हुआ है और इसी की वजह से ये जो माइंड नंबिंग हो रहा है मतलब दिमाग ना काम करना तो ये सारी चीज़ें से उनको फेस करना पड़ रहा है जिसके कारण उनका जो एप्रिसिएशन हो गया ग्रैटिट्यूड है या रिस्पेक्ट है वो खोता जा रहा है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग और बाकी जो अदर स्टेट है उनके रिगार्डिंग क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ये जो डिस इन जनरस है और वो आर्गुमेंट का विषय बना हुआ है जिसके कारण ये जो मोर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी टू दीज कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी भंग हो रही है और इस ये भी ये डॉक्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि थिंक टू शेयर रेस्पॉन्सबिलिटी कि सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और ये एक जो चेन्नई इतना ज़्यादा जो तमिलनाडु फेस कर रहा है तो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और ये जो ये जो हेल्थ हो गया और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसका कोई इंडिविजुअल नहीं है तो उसमें है ना मिल हेल्प करना चाहिए और परमिटेड टू मेक देम बेस्ड ऑन लिटिल मोर देन ए विम एंड फैंसी तो ये जो बाहरी जो दिखावा है उससे हट करके लोगों की हेल्प करना चाहिए और एक आइडियल सॉल्यूशन लाना चाहिए कि कैसे वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सुधरेंगी तो यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे वहाँ पे ये जो डिसीजन मेकर्स रैशनल और एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि वो सपोर्ट करे और यही एक सब्जेक्ट टू रिव्यू बना हुआ है कि कैसे वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे सारी चीज़ों को ये जो विम्प एंड फैंसी बोला जा रहा है कि दिखावे से हट के एक्चुअल में हेल्प करना चाहिए जो वहाँ के लोग हैं ना ये तो एक तो एनिमल्स की वजह से डिस्ट्रेस में है एक वहाँ पे फ्लड की वजह से और उसकी वजह से जो उनकी जो मानसिक हालत खराब हो रही है तो वो भी एक दिक्कत का कारण बना हुआ है और अभी हार्ट अटैक के, के केसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं तो यही सारा था आर्टिकल में ये हमने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिया वो भी अच्छे से तो अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से ले सकते हैं एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू आप, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना ध्यान रखिए और कोविड के, के केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं सो टेक केयर अपना ध्यान रखिए सेफ्टी के साथ अपनी सारी चीज़ें कीजिए और सारी चीज़ों से अपना प्रिकॉशंस लीजिए एंड लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच